hello everyone welcome to your lesson with me today i am your educator sonali and today we are going to study a very interesting chapter which is urban administration chapter 7 civics class 6. so our contents for today are basically going to be an introduction about urban administration we will then talk about the ward councillor and the administrative staff and move on to talking about the municipal corporation and its impact on a city dweller. So, welcome to my class. I'm Sunali and I'm a social studies educator at An Academy. I have done my Bachelor of Arts Honors from Ashoka University uh, with a minor degree in international relations. And I'm uh, I worked at a couple of places in an academic researcher. I can speak Hindi and English both.

Unlimited access to all courses. What better that you get taught by top educators of India? There is regular doubt clearing, there is regular answer writing, you also get exhaustive coverage of syllabus. So any and every chapter, all the questions, and everything is covered in the subscription. You get mentorship, you get guidance, you get all the study material in PDF format so that you can revise on your own time. Notes. Be milling प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे लाइव टेस्ट सीरीज बैच कोर्सेज एंड सो मच अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है एस पी जीरो वन को याद कर लीजिए इसको तो लिख लीजिए क्योंकि आप ये कोड कहीं भी अन अकेडमी पे यूज करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट्स एंड अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपको मिलता है टेन परसेंट फ्लैट डिस्काउंट यूजिंग माई कोड तो कीप इट सेव इट अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो अगर पहले आप ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए वन जीरो फोर टू पर मंथ दे रहे थे अब आप ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए सिर्फ नाइन थर्टी एट पर मंथ देंगे विद माय कोड सिमिलरली अगर सिक्स मंथ्स के लिए आप वन सिक्स सिक्स सेवन पर मंथ दे रहे थे अब आपको सिर्फ फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ देना इज इन दैट ग्रेट आई नो दैट समर लिटिल मोर हेल्प मोर एक्सक्लूसिव एकेडेमिक हेल्थ एंड कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स चाहिए होते हैं कुछ लोगों को उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है विच इज द अनअकेडमी आइकोनिक सब्सक्रिप्ट एंड इस सब्सक्रिप्ट इनका आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है सो यू गेट पर्सनल मैंटोर असाइन टू यू कैन गो टू दैट मेंटर एंड वो आपको वन ऑन वन गाइडेंस देंगे एंड दीज मेंटोर्स विल बी टॉप एजुकेटर्स देर इज ला लाइक डाउट सॉल्विंग यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस ऑल योर एकेडेमिक डाउट्स यू गेट अ वीकली रिपोर्ट विच इज़ अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजिस यू ऑल्सो गेट

जाते हैं अनअकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग सिमिलरली अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो की है एस पी जीरो वन यू गेट फ्लैट टेन परसेंट ऑफ तो पहले अगर आप मंथ्स के लिए 2000 पर मंथ दे रहे थे, अब आप मंथ्स के लिए 1800 पर मंथ देंगे, only. अब हम बात करते हैं स्पेशल क्लासेस प्लेटफॉर्म पे यू कैन टेस्ट ऑफ अ लाइव क्लास कैन बी लाइक वी हैव

में कर सकते हैं इमोजीज के थ्रू कर सकते हैं यू ऑल्सो गेट टू क्वेश्चन टैब दैट इज देयर वहां पर लाइव पोलडक्ट होती हैं दीज क्विजेज गिव यू दी ऑपरचुनिटी टेस्ट थिंग्स वेरी वेल राइट देन देर इज अ पोल लीड अब इन विच यू कैन कंपीट विद योर फ्रेंड एंड यू गैट सर्टिफिकेट लेट्स मूव ऑन टू दैप्टर फो टूडे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम द चैप्टर ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिसरी डिटेल्ड सिंपल टू रीड एंडल इन लर्निंग हाउर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट ठीक है नाउ इस चैप्टर में क्या है कि गोज इन टू अ ग्रेटर डेप्थ ऑन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड हाउ इट ऑपरेट इट एक्सप्लेन्स बाई टेलिंग स्टोरी ऑफ टू लिटिल बॉयज तो दो लिटिल बॉयज़ की स्टोरी बताते हैं हमें चैप्टर में शुरू में जो कि अपनी यासमीन खाला से मिलने के लिए ट्रेवल कर रहे होते हैं अब हु इज़ यासम खाला शी इज़ अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये शी एक्सप्लेन इन द चैप्टर हाउ अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑपरेट ओके She describes administrative organizations, hai, municipal corporations and uh, these companies provide a wide range of services, the majority of which are supported by the government. So municipal corporations work in such a way that they have strong backing from the government and they provide ample of services and ample of administrative duties they do for the um, residents of that particular city. म्युनिसिपल कॉरपोरेशनस का एक और रूल क्या होता है कि दे आल्सो कलेक्ट मनी फ्रॉम सिटी रेजिडेंट्स टू अ वैरायटी ऑफ टैक्सेस दो जो सिटी टैक्सेस हैं वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं एंड दे हैव टू कलेक्ट दोस फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी नाउ अब हम बात करते हैं उन्हीं टैक्सेस में एक टाइप ऑफ टैक्स इज प्रॉपर्टी टैक्स The property tax brings in a lot of money for the municipal governments. Okay? This is largely dependent on the property's location. So what happens is in a city, इफ अ प्रॉपर्टी इज़ देयर इन अ वेरी प्राइम लोकेशन अगर बिल्कुल एक अर्बन सिटी है सेंटर में कोई प्रॉपर्टी है या ऐसे कि वो मार्केट प्लेसेस से मॉल से सराउंड है बहुत ऐसी प्राइम लोकेशन है जहाँ पे लाइक पीपल लाइक लिविंग प्रेफर्ड रेजिडेंशल एरिया है देन वहाँ के टैक्सेज विल ऑफन भी हायर देन दर एरिया सो नाउ दिस प्रॉपर्टी टैक्स जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमसे लेती है सिटी और गवर्न बाई द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दीज टै वेरी अकॉर्डिंग टू द लोकेशन के कहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी सिचुएट म्युनिसिपल गवर्नमेंट आर सेपरेटेड इन टू न्यूमरस डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट एज अ होल ये सारे फंक्शन करती है दे हैव वेरियस सब डिपार्टमेंट अंडर दैम दीज डिपार्टमेंट्स आर इन चार्ज ऑफ देश ऑपरेशन एक सिटी को भी ना रीजन में डिवाइड करा जाता है एंड the they are आर इन चार्ज ऑफ these दीज वेरियस रीजन इन दिटी They have to make sure that every region is functioning properly. सारी um, equipment सारी facilities उस रीजन को मिल रही hai All right. As a result The what happens is that the municipal corporation is now responsible for planning, for management, and for structure. So these are the main key roles that the municipal corporation undertakes. The many stages of the municipal corporation are that metropolitan cities are also regulated by these municipal corporations. So they, they operate on various stages and various hierarchies. एक ही एरिया जैसे आई टोल्ड यू इज डिवाइडेड इनटू टू वेरियस सेक्टर एंड क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो हर एक सेक्टर में हर एक डिपार्टमेंट फंक्शन करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेट्स टॉक अबाउट वन सॉफ डिपार्टमेंट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विच इज द वार्ड काउंसिलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अब वार्ड काउंसिलर्स क्या होते हैं

एक वार्ड या एक जो वार्ड की लोकेशन है दैट विल नॉट कवर मोर देन लाइक टू सेक्टर्स इफ़ यू टॉकिंग अबाउट इन इन सेक्टर टर्म्स की सेक्टर वन एंड सेक्टर टू सेक्टर थ्री विल कम अंडर वन वार्ड ऐसे होते हैं यूजली वार्ड डिवाइडेड ठीक है अब हर एक वार्ड का एक वार्ड काउंसिलर अपॉइंट होता है एंड वार्ड काउंसिलर के मेन डिसीजन uh, क्या होते हैं उसको उसको ये डिसाइड करना होता है जैसे अगर उसके वार्ड में कोई हॉस्पिटल बिल्ड होना है कोई पार्क

उस वार्ड में जो भी लोग रहते हैं जो भी पर्टिकुलर वो वार्ड है दे इलेक्ट वार्ड काउंसिलर एंड दीज वार्ड काउंसिलर आर यूजली वेल लाइक पीपल बाय द पब्लिक जो भी लोगों को लगता है कि ये हमें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे एरिया से हैं उन उस इंसान को लोग अपना वार्ड काउंसलर इलेक्ट कर लेते ठीक है अब बिकॉज दिस दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट डिसीजन वेन यू आर अपॉइंटिंग अवार्ड काउंसलर एसेंशियली ये जो डिसीजन है ये जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं इनका काफ़ी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द सिटीज एसेंशियल डिसीजन जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सिटी के बारे में असेंशियल सर्विसेज के बारे में या फिर कोई भी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं essential decisions uh, if you talk about uh, anything ranging from ward councilors also do that they are uh, now stay in touch with the city as a whole and the state as a whole so higher level officials are. ward councilors are discussion karte. ward councilors of one area might meet another ward councillor to decide more uh, fruitful and more better things for their particular ward okay

डिबेट करते कोई इशू किसी ने ब्रॉट अप करा कि अच्छा ये हमें बनाना है सिटी में ये न्यू चीज़ तो एवरी वार्ड काउंसिलर विट पुट फॉरवर्ड हिज और हर ओपिनियन एंड वहाँ पे वो डिबेट करी जाती है एंड वहाँ पे डिसाइड करा जाता है कि आगे कैसे बढ़ना है तो वार्ड काउंसिलर्स एज अ होल भी सिटी की डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर ऑल्सो वॉट दे डू ना दे मेक वेरी क्रिटिकल डिसीजन फॉर द सिटीज बेटरमेंट So any decision which is which cannot be made by a resident of a city is made by the ward councillor, and they are very essential to all the critical decisions that are being made. Final decision making members of the ward normally contact their councillor. Now, uh, if members of the ward, which are the residents of the ward, have any issues regarding any decisions, or if they want help in making decisions, they have to contact their respective ward councillor and help them make the decision. अब इसके अलावा द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अमंग द काउंसिलर दीज अथॉरिटीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कैरिंग आउट सिटीज चॉइस तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर और कौन आता है कमिश्नर ठीक है और कौन आता है जो बाकी सारे वार्ड काउंसिलर हैं दे ऑल्सो काउंट अमंग एंड ये जो मिल के ये सारी अथॉरिटीज हैं इनका बहुत क्रिटिकल रोल होता है इन कैरिंग आउट सिटी में जो भी डिसीजन दिए जा रहे हैं जो भी लोगों के लिए चॉइसेस बनाई जा रही है एक्सेट्रा अब सिमिलर टू द वार्ड काउंसलर्स कमिश्नर को भी इलेक्ट करा जाता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी इलेक्ट हो वार्ड काउंसिलर्स कन्वीन फॉर एन ऑफिशियल मीटिंग सेटल ऑन अ बजट एंड स्पेंड द मनी ऑनराइट ना वो हैपन्स इज दैट सिटी के कोई भी डिसीजन लेने हैं तो सारे वार्ड काउंसलर्स एक ऑफिशियल मीटिंग में बैठेंगे दे विल डिसाइड ऑन अ बजट फॉर द सिटी ओके दिस फॉर दिस ईयर और फॉर दिस मंथ और फॉर दिस सिक्स मंथ्स दिस इज द बजट दैट वी गोइंग टू वर्क विद इतने पैसे हम इस सेक्टर में खर्च करेंगे इतने पैसे इस सेक्टर में खर्च करेंगे एंड देन दे डिसाइड ऑन हाउ टू स्पेंड द मनी ऑन वेरियस कंसर्न इस इशू पर हम इतना पैसा लगाना चाहिए एंड इफ मे बी एक पॉइंट ऑफ साल और एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कुछ इशू रिक्वायर्स मोर मनी सो दे डिसाइड ऑल ऑफ दिस इन दर ऑफिशियल मीटिंग नाउ वार्ड काउंसिलर्स आर इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल ऑफ द वर्ड्स डिमांड्स आर एड्रेस्ड बिफोर ऑल ऑफ द काउंसिल आर कैरीड आउट नाउ इन वार्ड काउंसिलर्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये इतने छोटे एरिया लाइक वार्ड इज नॉट अ वेरी बिग एरिया तो छोटे एरिया में जो भी लोग रहते हैं दे एक्सपेक्ट कि उनके जो सारी बॉन्ड्स हैं उनकी जो सारी नीड्स um, हैं है, वो उनका वार्ड काउंसलर सुनेगा वार्ड काउंसलर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि दे नीड टू इंश्योर कि बिफोर द डिसीजन इज पासड आउट बाय द काउंसिल बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेड ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन एंड चॉइसिस एंड डिमांड्स जो कि उनके वार्ड के लोगों की वो पूरी है द डिसीजन आर देन अप्रूव बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑल ऑफ द सिटीज वर्किंग मॉडल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिडेडिंग डिपार्टमेंट नाउ ये जो डिसीजन होती हैं जो वार्ड काउंसिलर्स ने साथ में ली दे देन गो टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अल्टीमेटली अप्रूव द डिसीजन डिस कीपिंग इन माइंड ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक मनी इंप्लीमेंटेशन रूल्स रेगुलेशन तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ विल मेक श्योर दैट ओके दिस डिसीजन इज वाइबल वी कैन गो हैड विद इट दैट इज हाउ दे डिसाइड टू टेक इट फॉर ना जो भी सिटी के वर्किंग मॉडल्स हैं, वेरियस सिटी के अंडर जो भी um, सॉर्ट ऑफ सेक्टर्स आते हैं या फिर जो भी सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट्स आते हैं पब्लिक डिपार्टमेंट्स भी अब डिड डिवाइडेड हैं इनटू वेरियस वेरियस स्मॉल डिपार्टमेंट्स विच हैव देर ओल ओन रोल्स इंड दे नीड टू कैरी आउट फॉर एन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दिटी एज अ होल जैसे कि ये जो डिपार्टमेंट्स की जिन हमने बात करी उसमें आते है द वेस्ट कलेक्शन डिपार्टमेंट वॉटर डिपार्टमेंट गार्डन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रोड्स गार्डन मैनेजमेंट एंड सो आ जस्ट अ फ्यू एग्जाम सो

Like, पानी का बिल लोगों का ऑल ऑफ दिसन देर इज गार्डन मैनेजमेंट गार्डन एनी पार्क इज मेड बाई दब्लिक एंड फॉर द पब्लिक विच इज एसेंशली गंट प्रॉपर्टी ये जो पार्क की मेन्टेनेंस होती है क्योंकि पार्क को मेनटेन नहीं करेंगे तो इवेंचुअली ग्रास ग्रो वेरी बिग द ट्रीज In a chaos and everything and people won't be able to use the park effectively so there's a gardens management department also uh, in the municipal corporation that looks after all the parks made sure that everything is watered they hire uh, they hire people who worked as gardeners and they hire people who you know see the uh, functioning of the park if they if it needs any more tools etc then we have roads and gardens now we know that essentially roads have to also be maintained. You can't just make a road and then leave it, for example. Okay, so there is uh, roads management also. Now there are people who clean roads on a daily basis. These people also fall under the either the waste collection department or the roads department, and then you ultimately have to make them responsible. Now another thing is that, for example, new road construction. हैंडलिंग लिटल द वर्क एवरी थिंग दैट यू नो वो वर्क यूजली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को साइन होता है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक श्योर दैट अगर कोई कहीं रोड ब्लॉक हो रखी है तो डाइवर्जन सही से हो रहा है वहाँ से रोड की कंस्ट्रक्शन में किसी उनके वार्ड के या उनके सिटी के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती डस्ट की प्रॉब्लम है तो वो उस पर पानी डलवाते हैं ऑल ऑफ़ दिस कम्स ऑन द रोड मैनेज And this, these are just a few examples of the kinds of departments that come under the municipal corporation. What are departments? Because, as you know, a like city ki functioning, there are so many things that are very essential. You can't just sum it down to these four or five departments. But, everything that we need on a daily basis is somehow handled by the municipal corporation, the administration. स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस ऑफ योर सिटी ऑफ इन डिपार्टमेंट्स का अल्टीमेटली क्या रोल है कि हमारी लाइफ को ईजी बनाना सिटी में स्टेबल बनाना इंश्योर दैट एवरी पर्सन गैट्स ऑल द नेसेटीज दे नीड इन ऑर्डर टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ इन द सिटी

Impact city it's impact the city is very significant because Amaari life ki portion may there is some sort of help that we require from the municipal corporation. Uh, the following are the most important functions that keep municipal corporations play first function is they labor to keep the streets clean and lit on a regular basis as you know as I told you they hire people who clean the streets on a daily basis then they put up street lamps. So, any, any street lamp that you will see in your locality, the roads, in your city, will be put up the, by the municipal corporation. They have to ensure that there should be say dark near Everywhere it, there should be light for nighttime. And it should be, you know, safe and clean and a well lit environment. They are primarily in charge of ensuring that citizens have access to safe drinking water. Now, as I told you, वाटर डिपार्टमेंट जाता है तो देव टू इंश्योर दब वाटर वो सप्लाई कर रहे हैं क्वालिटी इज ऑन पॉइंट रेगुलर चेकर क्वालिटी एंड द वॉटर दैट इज गोइंगज एवरी वन हाउसेज टू बी सेफ क्लीन इट शुड बी यू नो ड्रिंकबल वाटर शॉर्टेज हो रही हैं किसी एरिया में तो वहाँ तो पे दे प्रोवाइड टैंकर्स और दिस ऑल्सो कम्स आंडर द म्युनिसिपल कॉपरेट ठीक है नाउ दी दल्सो कंट्रोल ट्रैफिक कीप एन आई ऑन ऑन हाउ टू मैनेज द हाईवेज ट्रैफिकपल कॉरपोरेशन के अंडर और सिटी और स्टेट के लोकल अगर आप देखिए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं तो वो क्या करते हैं ट्रैफिक मॉनिटर करने में एक एरिया में ट्रैफिक को रहा है तो उसको कैसे मॉनिटर करें सही से डाइवर्ट करें कंट्रोल कैसे करें ट्रैफिक को क्राउड्स uh, को कैसे मैनेज करें हाईवे पे अगर बहुत ही लंबा ट्रैफिक जाम है ऑल ऑफ दिस ऑल्सो द द्यूनिपल Then schools and hospitals can use their sanitization. Now, municipal corporation can do ye bhi aata ki jo bhi government school, government hospital in a place, they have adequate facilities of sanitization. There is um, well-structured, constructed toilets everywhere, sanitized uh, places where people can get water. In government buildings and everything, municipal corporation has to ensure that these things are there definitely. They also collect trash and even dispose, as I told earlier, waste management. Is a very big role So daily, jo ghar trash collect ultimately dumping into into larger wastelands. That rule also comes under the municipal corporation and the higher various. So this was the chapter for today. I hope it cleared a lot of your doubts. This is an academy class apart and it should definitely be a one-stop solution for exam preparation 6 30 pm social studies you get all the chapters extreme and exclusive coverage in one short session um like this video share it with your friends subscribe to the channel and this is an academy let's crack it with an good luck for all your exams and i hope i can help you in any way that i can do come for special classes and do keep watching the videos for more lessons thank you so much if you have any questions don't forget to put them in the comments and i'll make sure that i answer them thank you goodbye